Subscribe now the channel Technical Shantu Shamrat Pro and click on the bell icon to get more updates regards all types of tricks and professional video editing. हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन टेक्निकल शंतु सम्राट प्रो। गाइज, आप सबको पता है हमारा जो चैनल है ये पहले एसएस ट्यूटोरियल से एसएस ट्यूटोरियल टेक अभी इस नाम से जाना जाएगा। सो गाइज, आज की जो वीडियो है आप तो थंबनेल पे देख ही चुके हो। गाइज, ये जो वीडियो है ना, आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, एंड तक देखना, क्योंकि अगर बीच में स्किप करके जाओगे तो आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आप लोग तो एडिटिंग तो करते हो मोबाइल पे, आप लोग काइनमास्टर एप्लीकेशन पे आप लोग एडिटिंग करते हो, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होता है आप लोगों को, देखो स्क्रीन तो एक तो छोटा रहता है, ठीक है, और एक आपको क्वालिटी, अगर क्वालिटी डिटरमाइन आप करोगे तो कंप्यूटर के हिसाब से आपको क्वालिटी डिटरमाइन बहुत ही कम मिलेगा। मतलब कंप्यूटर का जो क्वालिटी और एक मोबाइल का क्वालिटी है बहुत ही, मतलब उसमें आप समझ सकते हो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपका स्क्रीन तो एक बिग रहेगा और उसका क्वालिटी भी, अगर क्वालिटी डिटरमाइन आप करोगे तो काइनमास्टर एप्लीकेशन मोबाइल एंड्रॉइड से आपको पीसी पे बहुत ही अच्छा आपको क्वालिटी मिलेगा। ठीक है, और आपका स्क्रीन भी बिग रहेगा, तो ये आप फीचर्स आप यूज कर सकते हो। काइनमास्टर एप्लीकेशन आप एंड्रॉइड का, एंड्रॉइड में भी और आईओएस का, अगर एप्पल का फोन यूज कर रहे हो तो मैकबुक आपका बस मैक कंप्यूटर है तो मैक पे भी चला सकते हो। ठीक है, तो मैं आज जो ये सिखाऊंगा, मेरे पास विंडोज 11 है, तो विंडोज में आप एंड्रॉइड का जो काइनमास्टर एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड की किसी भी ऐप आप काइनमास्टर, मतलब काइनमास्टर ऐप कैसे रन करोगे। ठीक है, एक और बात है, देखो गाइज, आप अगर किसी भी थंबनेल भी बना रहे हो ना, थंबनेल बना रहे हो या किसी भी वीडियो फुटेज आप मतलब पीसी से मोबाइल से आप एडिटिंग करो, तो एक किसी भी वीडियो फुटेज मोबाइल से, गाइज मोबाइल से वीडियो एडिटिंग उतना अच्छा नहीं होता जितना कि अच्छा आप कंप्यूटर में। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि एक थंबनेल के लिए एक एप्लीकेशन बता दो, तो देखो थंबनेल बोलो या वीडियो एडिटिंग बोलो, मोबाइल पे इतना अच्छा कुछ नहीं होता। ठीक है, प्रोफेशनल अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हो, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए आज के डेट में, मैं ये समझता हूँ। तो इसलिए मैं आपको आज सिखाऊंगा कैसे आप काइनमास्टर एप्लीकेशन, अपने मोबाइल का काइनमास्टर एप्लीकेशन आप पीसी में रन करोगे, एकदम कंप्लीट डिटो आपको डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो देखना, वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर देना, और हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी शो हो रहा है, फेसबुक पेज भी फॉलो कर लेना। ठीक है, सो आई डोंट वेस्ट टाइम, सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। सो गाइज, आ गए हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, तो जैसे मैं आपको बताया, ठीक है, तो हमें पहले गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करके यहाँ पे एड्रेस बार पे मुझे यहाँ पे टाइप करना है YSOR, ठीक है, VYSOR फॉर PC, YSOR, ठीक है। इसको सॉफ्टवेयर को मुझे डाउनलोड करना है अपना कंप्यूटर पे, तो मैं देखो डाउनलोड पे क्लिक किया और यहाँ पे अभी एक इंटरफेस खुल गया, तो यहाँ पे अवेलेबल है विंडोज़ के लिए, मैकबुक के लिए, लिनक्स के लिए, ब्राउज़र के लिए। तो मुझे जैसे विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना, तो मैं विंडोज़ सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपका मैक कंप्यूटर तो आप मैक के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो डाउनलोड लिखा आ रहा है, तो जैसे मैं डाउनलोड में क्लिक करूँगा यहाँ पे विंडोज़ दोबारा आया है, विंडोज़ लिख के, तो और उसके बाद स्टार्ट डाउनलोड, जैसे मैं क्लिक किया विंडोज़ पे, यहाँ पे देखो स्टार्ट डाउनलोड शो होगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे। और यहाँ पे मैं जैसे स्टार्ट डाउनलोड में क्लिक किया, देखो मेरा पीसी पे ये YSOR जो विंडोज़ फॉर पीसी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अभी मेरा आप देख पा रहे हो कंप्यूटर पे डाउनलोड चल रहा है, तो अभी मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। अभी मुझे इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करके मुझे अपना कंप्यूटर पे डाउनलोड में जाके इस फाइल को मुझे सिंपली ओपन करना है, ओपन करके मुझे सिंपली इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ आपके सामने फाइल को मैं राइट क्लिक करके ओपन किया और उसके बाद ओपन में क्लिक करके इंस्टॉल कर रहा हूँ, सिंपली इंस्टॉलेशन करना है। ठीक है, तो अभी इस फाइल इंस्टॉल हो रहा है, आप देख सकते हो मेरे कंप्यूटर पे। तो अभी मैं जैसे जैसे करते जाओ आप देखते जाओ, तो यहाँ पे देखो अलाउ एक्सेस के लिए पूछ रहा है, तो आपको सिंपली अलाउ एक्सेस में क्लिक करना है। ठीक है, अलाउ एक्सेस पे क्लिक करना है और दोबारा पूछ रहे हैं अलाउ एक्सेस, तो जैसे और यहाँ पे देखो एंड्रॉयड डिवाइस में कुछ इंटरफेस खुल गया है और यहाँ पे लिखा आ रहा है नो एंड्रॉयड डिवाइसेस आर कनेक्टेड, प्लीज़ इंश्योर दैट एंड्रॉयड डिवाइस इज कनेक्टेड विथ ए डेटा केबल एंड USB डिबग इज ओके। सो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका पीसी में एंड्रॉयड डिवाइस से आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको डेटा केबल या USB डिबग से आपको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे नो डिवाइस अभी कनेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो iOS डिवाइस के लिए भी लिखा है, iOS डिवाइस आर करेंटली सपोर्टेड ऑन YSOR डेस्कटॉप एप्लीकेशन।
मतलब मैक आईओएस एप्लीकेशन, अदर प्लेटफॉर्म्स आर कमिंग सून। तो ये आईओएस के लिए, तो अगर मेरा तो एंड मैक कंप्यूटर नहीं है और मेरे पास एप्पल का फ़ोन भी नहीं है, तो मेरा जो ऐप हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, एंड्रॉयड डिवाइस से आप, मतलब एंड्रॉयड डिवाइस का किसी भी ऐप, आप काइन मास्टर ऐप आप विंडोज़ में कैसे रन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है, तो मतलब मेरा पीसी पे अगर कनेक्शन लेना चाहता हूँ तो मुझे यूएसबी डिवाइस से मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करते जाओ, आप देखते जाओ, सिंपली आपको डी टू वाई फॉलो करना। तो मैं इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर दे रहा हूँ इस पेज को। उसके बाद मुझे हाँ आप देख सकते हो, मैं इसको मिनिमाइज कर दिया। उसके बाद मैं अपना मोबाइल ओपन कर रहा हूँ। मोबाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे आप प्ले स्टोर पर जा रहा हो, प्ले स्टोर पर जाके वही सेम जो एप्लीकेशन है वॉइस ओवर फॉर पीसी, उसको मुझे मतलब मोबाइल पे डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है। मतलब आपका जो वॉइस ओवर फॉर पीसी ये कंप्यूटर पे इंस्टॉल रहना पड़ेगा और आपका आपका मोबाइल जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो उस पर भी डाउनलोड रहना पड़ेगा, तभी आप कैन मास्टर एप्लीकेशन कंप्यूटर पर रन कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट करके मैं जैसे जा रहा हूँ और यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्ट योर एंड्रॉयड, प्लग योर एंड्रॉयड इनटू योर कंप्यूटर यूजिंग ए यूएसबी डेटा केबल। मतलब यूएसबी डेटा केबल के साथ ही आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर मेंशन कर दे रहा है, देख सकते हो मैं क्या क्या करते हूँ जैसे। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं कनेक्ट किया, यहाँ पे कनेक्टिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको अलाउ यूएसबी डिबगिंग, मतलब मुझे जैसे अलाउ में क्लिक कर दूंगा मैं, उसके साथ साथ मेरा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओपन वॉइस ओवर ऑन योर कंप्यूटर, ऑल सेट आर हियर, मतलब अभी आपको बोल रहा है कि आप वॉइस कंप्यूटर पे जाके जो सॉफ्टवेयर मैंने वॉइस ओवर वो डाउनलोड किया था उसको मुझे ओपन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मैं अभी कंप्यूटर पे जा रहा हूँ, कंप्यूटर पे जाके जो सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया था वॉइस ओवर उसको मुझे ओपन करना है। तो मैं देखो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया और यहाँ पे देखो अभी चला आया मेरा मतलब मेरा जो मोबाइल था SM J6 का, देखो वहाँ पे लोगो शो हो रहा है और नाम भी शो हो रहा है और यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन सब कुछ दिखा रहा है। मतलब मेरा मोबाइल अभी एंड्रॉयड डिवाइस के मतलब विंडोज़ के साथ, एंड्रॉयड डिवाइस मेरा विंडोज़ के साथ कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पे देखो रेड कलर का जैसे ऊपर एक प्ले ऑप्शन है, तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये आगे का प्रोसेस के लिए मुझे परमिशन देगा, मतलब कंटिन्यू होगा, ठीक है। देखो मेरा मोबाइल शो हो रहा है कंप्यूटर पे, यहाँ पे मेरा मोबाइल दिखा रहा है आपको। तो मैं थोड़ा स्क्रीन को अभी मुझे थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा मैक्सिमाइज करना है ताकि आप आसानी से एडिटिंग कर पाओ काइनमास्टर एप्लीकेशन के मदद से कंप्यूटर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं जैसे काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे 16:9 का जो सिलेक्ट करना है तो आपको पता ही है। तो ये काइनमास्टर, देखो काइनमास्टर एप्लीकेशन से आप लोग तो एडिट तो करते हो मोबाइल से, लेकिन यहाँ पे मोबाइल से एडिटिंग करने में बहुत से लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि स्क्रीन बहुत ही छोटा आता है मोबाइल में, आप सबको पता है। वही सुविधा आपको विंडोज़ में मिल रहा है, ठीक है। तो यही सुविधा आपको विंडोज़ में मिल रहा है। और यहाँ पे देखो मेरा एक वीडियो मैं डाउनलोड करके रखा था अपना मोबाइल पे। और एक बात बताना मैं आपको भूल गया, जो भी आप एडिटिंग करोगे वो सब आपका टेम्पलेट या फाइल वीडियो सब आपका मोबाइल पे रहना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर पे। मैं सब ये मोबाइल से कनेक्ट करके मैं मोबाइल से ही ले रहा हूँ अपना काइनमास्टर पे, ठीक है। तो मैं वीडियो भी मेरा मोबाइल पे ही डाउनलोडेड था, उस मोबाइल से ही मैं यहाँ पे ले आया हूँ काइनमास्टर एप्लीकेशन में, ठीक है। मतलब ये सिर्फ पीसी में आपको दिखा रहा है, मतलब पीसी पे आप एडिट कैसे करो, मैं बाकी सब मेरा मोबाइल पे मेरा डाउनलोडेड है, आपको भी वही रखना चाहिए, ठीक है। तो इसे आप आसानी से नॉर्मल एडिटिंग, मतलब जैसे आप काइनमास्टर एप्लीकेशन से एंड्रॉयड में एडिटिंग करते थे, उससे बेहतर अब बड़ा स्क्रीन पे आपको फुटेज भी अच्छा मिलेगा। और एक बात, आप कितना भी अच्छा गाइस एप्लीकेशन यूज़ करो वीडियो एडिटिंग, मतलब कंप्यूटर और मोबाइल में बहुत ही आसमान या ज़मीन का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि HD क्वालिटी एक तो है और बहुत ही बड़ा स्क्रीन पे आप अच्छे से एडिटिंग भी कर पाओगे, माउस की हेल्प आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ही मतलब काइनमास्टर एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हो, आपके पास कंप्यूटर है, तो आप मेरा इस वीडियो देख के ट्यूटोरियल देख के आप अपना कंप्यूटर पे मतलब साथ कनेक्ट कर लेना काइनमास्टर एप्लीकेशन, और बहुत ही आसानी से बहुत ही मतलब इजी वे आप HD 4K क्वालिटी वीडियो आप एडिटिंग कर सकते हो काइनमास्टर एप्लीकेशन की मदद से, ठीक है, विंडोज़ 10 में।
या विंडोज, अभी तो 11 मेरा चल रहा है, आपके भी विंडोज 11 ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद कर तो ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, ये वीडियो आपने एंड तक देखा होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा, इस वीडियो देखने का वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को इंडिया में सबके पास शेयर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना आपका इस ट्यूटोरियल में कैसे लगा है, और आप हमारे चैनल से और क्या क्या वीडियो देखने पसंद कर रहे हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। गुड बाय।